Guys, welcome to the new video. So in today's video, I will demonstrate a new project, and the project name is examination form submission. In this project we have two modules. One module is for the user and one module is for the admin. Like iske andar hamare paas aisa kuch hone wala hai ki one is for the user who are going to submit their examination form, and then after submitting that form is sent to the database. And one is for the admin. So admin have the all authorities. Admin के पास सारी authorities होंगी. उसमें total number of semesters को add कर सकता है, total number of students को add कर सकता है, सभी data को Excel sheet के अंदर import भी कर सकता है. तो admin and students, we have two modules in this project. Basically examination form के लिए थोड़ा new project है. इसमें Excel sheet को आप import भी कर सकते हो, export not import. एक्सपोर्ट कर सकते हो पूरा डेटा के साथ. तो इसमें ये थोड़ा यूनिक फीचर्स है. सो जैसे हमारा नॉर्मली कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करता है एंड देन वी हैव टू ऐड द डिटेल्स, सेम वे वी हैव टू ऐड द डिटेल्स इन दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो. सो मैं इसको भी पहले दिखा देता हूँ कि कैसे इसका डेमोस्ट्रेशन है एंड हाउ यू कैन डाउनलोड दिस एंड हाउ यू कैन सेटअप ऑफ दिस प्रोजेक्ट. अगर आपके पास ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी है एंड इफ यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ एरर्स that might be some file missing or some database error or some connections error. So उसमें आपको time बचाने के लिए आप इस directly इस project को देख सकते हो, download कर सकते हो. But अगर आपके पास already है सब चीज़, execution हो रहा है, only some database connections error है तो मैं उसको solve कर सकता हूँ. But अगर और चीज़ों का error है तो मैं उसको solve नहीं कर सकता. आप directly फिर इस project को डाउनलोड कर सकते हैं जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सब चीज़ सेटअप है और सब चीज़ ऑलरेडी सेटअप किया हुआ, कोड कनेक्शन सब चीज़ ऑल डन. नाउ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हम काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करते हैं. इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अभी तक अपलोड कर चुके हैं हम, ठीक है. अब डिकोडेड जाके सर्च करना तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जानी है जिसमें हमने अलग अलग प्रोजेक्ट्स को अपलोड किया हुआ यहाँ पर, ठीक है. तो आप जाओ, जो भी आपको इंटरेस्टेड हो आप इसमें जाके वो भी देख लेना. और ये डाउनलोड आप कैसे कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली अपडेट का डॉट कॉम पर जाना है आपने, ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन साइड द डिस्क्रिप्शन. एंड देन आफ्टर आफ्टर नेविगेट टू दिस वेबसाइट, देन यू हैव टू सेलेक्ट द पीएचपी प्रोजेक्ट. एंड इन साइड द पीएचपी प्रोजेक्ट देयर इज अ लिस्ट ऑफ द पीएचपी प्रोजेक्ट यू कैन चेक. एंड द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स, और यू कैन जस्ट डायरेक्टली सर्च दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम हियर. ओके, नाउ अब हम इसको स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन को. एंड फर्स्ट वी हैव टू लॉग इन एज ए स्टूडेंट एंड देन वी विल गो फॉर द एडमिन. सो इफ यू आर ए न्यू यूजर देन यू नीड टू साइन अप. सो आई जस्ट साइन अप विद ए न्यू यूजर अपडेट गड एंड देन डेट ऑफ बर्थ एंड देन मेल एंड फीमेल. आई हैव टू यूज करेक्ट ईमेल आईडी, नॉट ईमेल आईडी, जस्ट एन स्टूडेंट आईडी. So I just use UP UG12, okay, and then student's email ID UG@gmail.com, and then we have to select the department. I just default select options. और यहाँ पर हमारे पास semesters है, तो जो भी आप semester select करना चाहते हो select कर सकते हो. मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ 4 semester को. Then we have to add the number. And then we have to upload the image, and then we have to set up the password. So I just set the password and then submit. So we have successfully registered a new student. Now I just log in. I have to use that ID UG12 and test 1234 and just log in. So अभी हमने log in किया यहाँ पर. लॉग इन करने के बाद हम उस स्टूडेंट की डैशबोर्ड पर ओपन कर चुके हैं. तो जस्ट हम यहाँ पर एक तो हमें अपडेट प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम कोई रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन के लिए अभी तक कोई रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि वी हैव टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स. सो अब हम रजिस्ट्रेशन फॉर द एग्जामिनेशन सेलेक्ट करते हैं. 4 semester के लिए सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर हमको लिस्ट में दिख जाएंगे. जैसे आप नॉर्मली सबमिट करते होंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जितने भी सब्जेक्ट्स एडमिन ने ऐड किए हुए हैं यहाँ पर. तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लीनियर्स DBMS एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड रिस्पेक्ट टू देर कोड भी यहाँ पर दिख रहे हैं. एंड देन सबमिट किया मैंने यहाँ पर. तो योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड. एंड अब मैं इसको दोबारा सबमिट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी एक बार सबमिट हो चुका है. योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड. तो अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा सबमिट करने का, और मैं यहाँ पर जाके चेक कर सकता हूँ मेरे सब्जेक्ट्स क्या क्या है, ठीक है.
अब ये रहा एग्जामिनेशन सबमिशन का यूजर एंड या फिर स्टूडेंट्स एंड, आप जितने भी सब्जेक्ट का आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं इसको एडमिन पैनल आपको दिखाता हूँ, इसको लॉग इन लॉग आउट किया एंड देन लॉग इन एज एडमिन। यहाँ पर आप इसको हेल्प में भी जाके चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे आपको इसको रजिस्ट्रेशन करना है ना। होम देन सेलेक्ट एज एडमिन, एडमिन एट द रेट gmail.com, एडमिन। सो आई जस्ट लॉग इन एज एडमिन। यहाँ पर आपको पूरा डैशबोर्ड में दिख जाएगा आपको कि कितने यूजर किस सब्जेक्ट पर एलोकेटेड है और कितने सब्जेक्ट हमारे पास करंटली है। सो अभी हमने सब्जेक्ट लिस्ट 5 है, ये हमारी सब्जेक्ट लिस्ट है। कौन से सेमेस्टर के लिए है? ये हमारी है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सेकंड सेमेस्टर के लिए हमारे पास टू टू सब्जेक्ट्स है। थर्ड सेमेस्टर के लिए हमारे पास टू सब्जेक्ट्स है। फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमारे पास ये सभी सब्जेक्ट है जो भी आपने चेक किए होंगे। मैं यहाँ से इनको अपडेट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ या फिर डिलीट कर सकता हूँ अगर मेरे कोई सब्जेक्ट यहाँ से अपडेट करना है तो। और इसमें से आप यहाँ से मेरे को अपडेट डिलीट करने के लिए, सेम वे यहाँ पर आप चेक कर सकते हो सब्जेक्ट लिस्ट फॉर द फिफ्थ सेम सिक्स सेम। जितने भी स्टूडेंट जिस भी सब्जेक्ट सेमेस्टर में लॉग इन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको सब्जेक्ट वहाँ पर लिस्ट में दिख जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ 8 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं और ये हमारे दूसरे सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर मैं लिस्ट देखना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पर मैं आपको लिस्ट जाकर चेक कर सकता हूँ। और हमारे पास एक्सेल शीट का ऑप्शन भी यहाँ पर, अगर मेरे को एक्सेल शीट क्रिएट करनी है तो मैं जस्ट सेलेक्ट करूंगा क्रिएट एक्सेल शीट एंड इट विल क्रिएट एन एक्सेल शीट फॉर दी ऑल दी स्टूडेंट्स डेटा। अब यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट एक स्टूडेंट्स कौन से हैं, उसकी भी हम एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर सब्जेक्ट्स को ऐड करना है जिस भी सब सेमेस्टर्स में, लाइक इफ आई वॉन्ट टू ऐड सब्जेक्ट इन द सेमेस्टर वन, देन आई जस्ट सेलेक्ट दी सेमेस्टर वन एंड देन यहाँ पर मैं उनका सब्जेक्ट कोड, लाइक मैं अभी ऐड करता हूँ सी एंड सब्जेक्ट्स कोड इज C1234। क्रेडिट आई विल गिव द क्रेडिट टू एंड देन सब्जेक्ट्स एडिट। तो अभी आप चेक कर रहे होंगे सब्जेक्ट्स वन के अंदर हमारे पास 6 हो चुके हैं, ये मैंने अभी ऐड किया एक सब्जेक्ट। एंड ये हमारे सब्जेक्ट्स होंगे फर्स्ट स्टूडेंट्स के लिए, मैनेजिंग सब्जेक्ट्स फॉर दी फर्स्ट ट्रैक स्टूडेंट्स। सो ये हमारा एडमिन पैनल है एंड एडमिन पैनल बस हमारे स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट प्रोवाइड करा सकता है, स्टूडेंट्स की लिस्ट चेक कर सकता है एंड उसमें अगर उसको कोई अपडेट्स करना है तो वो अपडेट कर सकता है। सो बेसिकली ये हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन प्रोजेक्ट है, थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है और नॉर्मल सब्जेक्ट से। इसमें हम जैसे रियल टाइम प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स कॉलेज में दिखा सकते हैं तो इसको रियल टाइम भी यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।